दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका MGV स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित आपके सामने, और आज की हमारी जो सीरीज है ये 11 नंबर सीरीज है। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के MCQ के टाइप के टोटल जो 9 क्वेश्चन है, और आज की हमारी जो सीरीज है ये DMRC बेस्ड सीरीज है। DMRC सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश कि टोटल 9 क्वेश्चन है, तो आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक, लाइक कमेंट और शेयर करते रहे। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ में हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। तो बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है करेक्ट पैसिव वॉइस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है वो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का दिया होता है, और ऑप्शन दिए होते हैं हमें पैसिव वॉइस के, और हमें वह ऑप्शन चूज करना होता है जो करेक्ट पैसिव होता है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, देखते हैं इसमें I was writing letters। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ जो I दिए ये सब्जेक्ट है, was helping verb है, और ये verb first है, और verb first plus ing, और object है letters। जब इस प्रकार से हमारे पास पैटर्न होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग verb, verb first plus ing और object, तो सबसे पहले हम पेसी वॉइस के सेंटेंस को, जो PV बोलते हैं पेसी वॉइस को, जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग वापस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हमारे पास वर्ब फर्स्ट प्लस ING होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बींग का प्रयोग करते हैं, तो बींग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो उसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग वर्ब फर्स्ट प्लस ING, और यहाँ पे लेटर्स ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया लेटर्स से, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है, और इन तीनों ऑप्शन में लेटर्स है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज है, लेकिन लेटर के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, इट मीन्स ये वाज, दो ऑप्शन हमारा कट हो गए यहाँ पे, लेटर्स वर, और इसमें भी वर है। आगे हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बींग का प्रयोग करना है, BEING, बींग, तो इसमें बी दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन हमारा कट है, तो बींग, और बींग के बाद यहाँ पे जो राइट, WRITE, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, और बाय करके यहाँ पे आई दिया गया है, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, और हमारा ऑप्शन सी सही हो गया है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास वाज का प्रयोग नहीं होगा, लेटर्स प्लूरल है इसलिए वाज सिंगुलर को कट कर दिया, और ऑप्शन बी में यहाँ बी का प्रयोग नहीं होगा, बींग का प्रयोग होगा, इट मीन्स ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, और हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी। और चलते हैं हम इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और क्वेश्चन सेकेंड में आपसे कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द आर्टिकल ऑफ द गिवन वर्ड, जो शब्द दिए गए हैं उनमें से आपको आर्टिकल चूज करना है। तो यहाँ पे आर्टिकल हम देखते हैं कि हमारा एग्जांपल गांधी जी वाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, तो यहाँ पे आपको जो ग्रेटेस्ट दिया ब्लैंकेट के जस्ट बाद, तो ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है, गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, गांधी जी, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है, ऑप्शन हमारा ए सही है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में सेलेक्ट द प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन,
दिए गए ऑप्शन में से प्रीपोजिशन चूज करना है, आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल दे रखा है, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हैज़ या हैव प्लस बीन और वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और उसके बाद में डैश प्लस टाइम दिया हो, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंकेट में फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। जब हैज हैव प्लस बीन और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी हो, आगे ब्लैंकेट प्लस टाइम दिया हो, तो वहाँ पर फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है, या तो फॉर का या सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास जो निश्चित टाइम होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और जो अनिश्चित टाइम होता है उसके लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो उस समय हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, टू ओ क्लॉक, थ्री ओ क्लॉक, तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और हमारे पास अनिश्चित टाइम है कि पिछले दो दिनों से, पाँच घंटे से, उस समय हम फोर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे और हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिंस, क्योंकि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और मॉर्निंग निश्चित समय है। और इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन फोर में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, तो हम बात कर रहे हैं, अब हमारे पास जो इनडायरेक्ट का ऑप्शन है, तो सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का है और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करके आपको एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन एग्जांपल, गोपाल सैड टू हर कोमा क्लोज इनवाइटेड को यू डोंट लाइक हिज एडवाइस। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो डायरेक्ट का सेंटेंस है ये यहाँ पे यू प्रोनाउन से स्टार्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। और इस प्रकार के सिंपल सेंटेंस यानी साधारण सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे सैड टू को चेंज करते होते हैं। सबसे पहले सैड टू की बात करेंगे, तो साधारण वाक्य में सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, और फिर यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं और जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, और आगे हमारे पास यदि डू या डोंट दिया है तो उसको हटा करके डिड नोट कर देते हैं, डिडंट कर देते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही रहेगी और आगे जो प्रोनाउन वगैरह है, टेंस है, वो सारा जो पहले यथावत नियम है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे सेड टू, और सेड टू को यहाँ पे चेंज किया गया है टोल्ड में, तो तीनों सेंटेंस में हमारे पास गोपाल टोल्ड हर, गोपाल टोल्ड हर, और आगे जोड़ने के लिए दैट, तो यहाँ पे तीनों ही सेंटेंस में जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक हमारे ऑप्शन तीनों चल रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे, ये यू है और यू हमारा होता है सेकेंड पर्सन, यू यूअर और लास्ट यू, यू यूअर यू। अब यू जो हमारा सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन को बाहर के ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इसका ये हो गया हर, हर, और ये हो गया सी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हर दिया गया है, तो ये हर माने या ये हर माने, ये जो हर है ये दोनों चीज़ें जो पजेसिव प्रोनाउन ये किसी नाउन के साथ आते हैं, और जहाँ पे नाउन नहीं होती हैं तो यहाँ पे हम इस हर को मानते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जब ये यू हमारे पास फर्स्ट नंबर है, तो इस यू की छुट्टी होने के बाद यहाँ सी का प्रयोग करेंगे, और हमारे पास इस सेंटेंस में भी सी है और इसमें भी सी है, अभी तक हमारे ये दोनों चल रहे हैं, लेकिन इसमें ही है, तो ये ऑप्शन सी हमारा कट हो गया। अभी दोनों ऑप्शन ए और बी बराबर चल रहे हैं। फिर आगे हमें ये करना होता है कि जो डू या डू नॉट दिया गया है, इन दोनों में जब इसको डिड नोट करते हैं, तो आगे दोनों ही सेंटेंस में डिड नोट किया गया है, डू नोट या डज नोट होता है, उसको हम डिड नोट में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों में डिड नोट किया गया है, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अब हमारे पास ये जो इज हिज है,
अब हिज हमारे पास प्रोनाउन की थर्ड पर्सन है, और प्रोनाउन जो कि थर्ड पर्सन होते हैं वो इन्वर्टेड कोमा के सेंटेंस के अंदर जो दिए होते हैं वो नो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हिज का हिज रहेगा, लेकिन इसमें माई में चेंज किया गया है, तो ये हमारे पास गलत है और हमारा ऑप्शन बी सही है। तो सबसे पहले सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, फिर जोड़ने के लिए कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट का प्रयोग किया है, और यहाँ पे हमारे पास जो यू दिया यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू फर्स्ट है तो यहाँ सी बन गया, और डू नॉट को डिडंट में चेंज कर दिया, और हिज नो चेंज रहेगा, हमारा ऑप्शन बी सही है। और हम चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में दे रखा है कि फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, सेलेक्ट द पार्ट दैट हैज एन एरर, और आपको वह पार्ट सेलेक्ट करना है जिसमें एरर है। इफ़ देयर इज नो एरर सेलेक्ट द ऑप्शन नो एरर, और अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपको नो एरर वाला ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेंटेंस है इसमें किस प्रकार का एरर दिया गया है, और हमारा ये एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में आपको दिया गया है नाइदर ऑफ प्लांट्स सूट्स हिम एंड देयर फॉर ही डिसाइडेड नो टू गो आउट यस्टरडे नो एरर। तो अब यहाँ पे आपको दिया गया, पहले तो दिया है नाइदर ऑफ प्लांट्स, आगे दे रखा है सूट्स हिम एंड देयर फॉर और ही डिसाइडेड नो टू गो आउट यस्टरडे नो एरर। तो यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है ऑप्शन डी दे रखा है नो एरर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो आंसर है आंसर होगा बी। तो आंसर बी में आपको करना है एस यू आई टी ई डी सूटेड करना है, क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ यस्टरडे दिया गया है, और यस्टरडे दिया गया है इट मीन्स पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में जो दिया गया है तो इसकी वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये एस नहीं लगेगा, बट ई डी लग करके वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है, और इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द में से आपको सिनोनिम चूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट दिया गया है जो वर्ड है, ये वर्ड दिया गया है हमें हम्बल, और हम्बल का मीन्स होता है विनित, विनित कह सकते हैं या कह सकते हैं नम्र, यानी रिक्वेस्ट करना। और यहाँ पे इसका जो सिनोनिम है तो हमारा ऑप्शन बी है मोडेस्ट, और मोडेस्ट का अर्थ होता है सालीन, और या कह सकते हैं विनम्र। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। और हम बात करेंगे यहाँ पे हार्ड, हार्ड का मीन्स होता है कठोर, या हम कह सकते हैं कड़ा। और आगे ऑप्शन दे रखा है सी परफेक्ट, परफेक्ट का मीन्स होता है परिपूर्ण, परफेक्ट का मीन्स परिपूर्ण या श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। और आगे हमारे पास जो ऑप्शन डी में दिया गया है ग्रेट, ग्रेट का मीन्स होता है महान या होता है बड़ा। तो अब हम जो बात कर रहे थे कि यहाँ हमारे वर्ड का मीन्स है हम्बल, और हम्बल का मीन्स होता है विनित या नम्र, और ऑप्शन बी में दे रखा है मोडेस्ट, इसका मीन्स भी शालीन विनम्र, और हमारा सिनोनिम्स है। चलते हैं इसी के साथ में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स, आपको करेक्ट एंटोनिम्स चूज करना है जो इसका अपोजिट दिया गया है गिवन द फ्रॉम द गिवन वर्ड, दिए गए शब्दों में से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया गया है सेफ, और सेफ का मीन्स होता है सुरक्षित, जो वर्ड दिया गया है इसका मीन्स होता है सुरक्षित, और या हम कह सकते हैं सही। और यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर है इसका ऑप्शन दे रखा है हमें डी अनसेफ, असुरक्षित कह सकते हैं असुरक्षित। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जो बी, ऑप्शन ए दिया गया है, और ऑप्शन ए में दिया गया है कनिंग, कनिंग का मीन्स होता है धूर्त या चालाक, इसको हम कह सकते हैं चालाक या धूर्त कह सकते हैं। और आगे जो ऑप्शन दिया गया है हमें
वाइस, इसका मीन्स होता है दुष्ट, दुष्ट दिया गया है। और हम चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दिए गए शब्द में से आपको क्या करना है, वन वर्ड चूज करना है। और वन वर्ड दिया गया, ए ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल, एक तीन शक्तिशाली लोगों का समूह, तो ये दे रखा है ट्रिम्यूटिव, इसका मीन्स होता है तीन व्यक्तियों का राज। और यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में दिया गया है ट्री वेट, इसका अर्थ होता है लोहे की तीपाई। और ट्री ट्रेट दे रखा है, इसका मीन्स होता है घसीटना। और आगे है जो ट्रियो, इसका मीन्स होता है त्रिक या त्री कह सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अंडरलाइन ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ए पिकनिक, तो यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन दिया गया है आल के नीचे, आल के नीचे अंडरलाइन दिया गया, तो आल हमारे पास है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, आल बोथ सम और ये जो है हमारे पास प्लूरल है, और आइदर ईच नाइदर एनी ये सारे सिंगुलर है। और धन्यवाद आज की वीडियो के लिए दोस्तों, थैंक्स।